मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है LNMU कार्तिक सर, और मैं हूं दिनेश कार्तिक। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं से जो एडमिशन अब होने वाला है, एडमिशन के लिए अप्लाई, कॉलेज के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको जो है कॉलेज चुनना है, 5 कॉलेज चुन करना रहता है, वो किस तरह से चूज करेंगे ताकि हमको जो कॉलेज चूज करेंगे जिसमें मैं अपना एडमिशन चाहता हूँ वही कॉलेज में मेरा नाम आएगा। तो चलिए किस तरह से आप लोग कॉलेज चूज करेंगे उसको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ से एक पिछला वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने बताया है से कब से जो है आपका एडमिशन का जो अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई होता है वो कब से अप्लाई होगा उसके बारे में। और जब वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक उसका मिल जाएगा, या तो नहीं तो आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट सर्च करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देर ना किए हुए मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए 5 कॉलेज चूज करना रहता है एडमिशन के लिए, BA, BSc और BCom वाले स्टूडेंट के लिए। आप किसी भी फैकल्टी से है आप एडमिशन कराएंगे उससे सभी के लिए, तो आपको 5 कॉलेज चूज करना रहता है जिसमें से आप एडमिशन कराएंगे। उसमें फर्स्ट जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं यानी कि नामांकन दाखिल लेना चाहते हैं जिस कॉलेज में, उस कॉलेज का नाम फर्स्ट में दीजिएगा। आप टोटल जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होता है, तो फर्स्ट कॉलेज का नाम जो है आपको देना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसी कॉलेज का। इसके बाद 4 गो अदर किसी कॉलेज का आप दे दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है। और या फर्स्ट में आप जिस कॉलेज में नामांकन चाहते हैं उसी में आपका नामांकन होगा, वही सिलेक्ट होता है 99%। 1-2% ऐसे हैं जो किसी का हेर फेर हो जाता है, लेकिन 99% जो है फिक्स है से उसी कॉलेज में आता है जिसका जो फर्स्ट में कॉलेज रहता है उसी में एडमिशन होता है। तो इस तरह से आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। आगे मैं बताना चाहता हूँ से जो आपका एक कोर्स होता है BA, BSc और BCom वाले के स्टूडेंट के लिए, वो 3 साल का होता है। आपका जो सेशन होगा वो 20 से 23 होगा, यानी कि 2020, 2021, 2022 और 2023, यानी कि 23 में आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा Part 3 का। तो सभी चीज़ का जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय के अनुसार मिलता रहता है। तो मेरा मानना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आप इस चैनल पर नए हैं तो और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत जाएगा, आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिले किस तरह से हम कॉलेज चुनेंगे। और जो है इसके अलावा मैं और बात बताना चाहता हूँ से हमारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद एक बात और मैं बताना चाहता हूँ से आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 90-653-96-379, 90-653-96-379 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके अलावा या कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।